समथिंग अबाउट मोर लव। इस फिल्म के बाद यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है और जब देश में मतलब भीषण लड़ाई चल रही है और इस समय ये फिल्म बनाई गई है और ये अपने आप में एक मैं तो कहूँगा कि एक इस टाइटल से पता चल रहा है कि मतलब इस भीषण युद्ध में भी प्यार एक बढ़ाने की कोशिश करी गई है और इसको मतलब प्रस्तुत किया गया डायरेक्टर ने जो बहुत ही एक अच्छा काम ने किया है। और इस फिल्म में उन्हें एक सामान्य व्यक्ति का रोल फोटोग्राफर का दिखाया है और उसमें एक सर्जन जो उनकी भूमिका दिखाई और उनकी जो जो भी एक सामान्य लाइफ में होता है वो सब उन्हें बताने की कोशिश करी है। एक फोटोग्राफर की कहानी होती है, एक अपना सामान्य जीवन फोटो से अपना रोजी रोटी कमाता है अपनी मेहनत करके और ऐसी ही उसकी चलती है और वो अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी माता के साथ रहता है और बस अपने ऐसी ही उसकी दिनचर्या चलती है और लोग उसके पास आते हैं अपना पैसा कमाता है और इस तरह का वर्क करते होता है। उसी समय उसके सामने एक उसकी एक गर्लफ्रेंड या कोई भी कस्टमर है उससे उसको प्यार हो जाता है और लड़की को उससे प्यार हो जाता है और उन्हीं पे कहानी होती है बेस चलते रहता है आगे। और एक दिन दिनकर के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उसमें उसको क्षति हो जाती है और उस क्षति से वो फिल्म में पूरा इंसिडेंट जो पूरी कहानी है वहीं पे घूमती है और उस कहानी का बेस यही बनता है आखिरी में कि कैसे बचाया जाए उसे सिंगर को फोटोग्राफर को और वही आखिरी में एक दवाई के रूप में उसका प्यार काम आता है। और एक सर्जन की जो भूमिका होती है वो तो होती है इम्पोर्टेंट और पूरा रोल होता है सर्जन का भी और एक सर्जन तो मतलब जो डॉक्टर थे चुमार मोमेनू वो फेमस डॉक्टर थे और उन पर ही कहानी बेस्ड थी और उनके सामने ही इस तरह का इंसिडेंट होता है और ये पिक्चर प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। और उस फिल्म में फोटोग्राफर के साथ जो आर्टिकल पिक्चर थी जो एक कला का जो रूप दिखाया गया है उन्हें अलग अलग प्रस्तुत करके जैसे कि आप देख सकते हैं उनमें जानवर को दिखाया कैमल जो उस पर बैठ के जाते हैं, दूसरा एक जलवायु जो टेम्परेचर वहाँ के जो फॉरेस्ट है वहाँ भी मतलब क्लीन और एकदम साफ और सॉन्ग जो उनके थे उस दुख में भी वो भीषण युद्ध में वो सॉन्ग को इतने अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत करा है कि बता नहीं सकते हम लोग कैसे उन्होंने कल्पना करी है और किस तरह से उन्होंने फिल्मों को स्ट्रक्चर करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और एक देखा जाए तो वो फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं था लेकिन एक प्यार का जो मैसेज था वो बहुत अच्छा लगा और एक कम समय में अच्छी फिल्म देने की कोशिश करी। और तुलना करें तो इंडियन फिल्मों से और उनसे तो काफ़ी कोई खास नहीं है इंडियन मूवी और मूवी लेकिन इंडियन उन्होंने कम समय में अच्छी मूवी देने की कोशिश करी। हमारी फिल्म होती थोड़ा लंबा होता है एक बेस पे उन्होंने फिल्म बनाई और एक कम समय में समाप्त करने की कोशिश करी। और मैं तो कहूँगा आखिरी इसका यही निष्कर्ष है कि प्यार सब कुछ है। और आमिर पांडे।